जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम लिट्टी प्रस्तुत करने को जाऊे से आम नहींचे चना पाउडर, काबुली चणार पाउडर, ता सहित किसी मसला मिश्रण करवा छोट छोट कर सब काटे अदा रसुण कंचा लंका पिंज धनिया पत्र एबे हमें गोटे चमच लुण पकईदे, गोटे चमच सोरस तेल पकईदे, तापर भल भाव आम मिसईदे। आम अटा दड़ी दीचे, अटा आमर जमी रुटी प्रस्तुत हुए से प्रणाली आम करे। आम अटा को एमती गुड़ा प्रस्तुत करवा, टे हाथ में न लगे आम चूना टिके भी दौ अटा चूना तमें रोटी गोला को आम गिना भाया प्रस्तुत करवा स्टफिंग भर्ती करने गोटे खोप बनईदे। तापर से जो सतु स्टफिंग टाक आम भितरे भर्ती करदे, पूरा दाबी दाबी की देवा जमी से फिटबन। आम ए टाइप रो फोल्ड करवा जमीक आंगुठे चिपी चिपी ताको फोल्ड करवा। आप देख ये टाइप रो जब चूना लग हाथ में जब लग जाऊ तो चूना दवा तापर ता मुह बंद कर दबा, टिके बंद करवा रहीगला। ये आमर सुंदर लिट्टी प्रस्तुत हो गला। तापर ए टाइप रो आम सबुतक चूना को करदे, तापर आम गैस उपर गोटे प्रेशर कुकर बसवा से आम घी मारिद घी मारिदी टे ढाकुणी देदे गरम होगा प्री हीट करदे। आम लिट्टी गुला गुड़ा एमती बनईचु घोड़ी खाड़ी देखा प्रेशर कुकर हिट हो गला। एबे आमे गुला गुड़ा को प्रेशर कुकर भितर रखा जितना धर ये आम पांचटा लिट्टी गुला आम रखिले एबे घोड़ी बंद करदे होइसिलटा काढ़ीदे प्रेशर। लिट्टी सहित खाइबापी आम गोटे बैंगन चोखा प्रस्तुत करवा, बैंगन नहीं कि तापर टे घी मारिदे तापर बैंगन को टे चीरा मारिदे चाकुरे एमती कले बैंगन पोड़ला बड़े फाटबनि ताकू रखिदे। तापर आम गोटे टमाटो को भी सेमती घी मारिदे ताको भी टिके चाकू रे काटी देवा एमती हेले छड़ेबा को पोड़ी सरला परे छड़ेबा को बहुत बढ़िया छड़ी थाए। आम गैस ऑन कर देचे एबे टमाटो को भी आम सेठी एक सहित पोड़ी देवा। एबे आम घोड़नी काढ़ की देखिबा लिट्टी किमती हेची ताको उल्टी देवा गोटे पट सिझी गलाणी भाव एमती उल्टी देवा
ଓଲଟେଇଲି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି, କଲର୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଘିଅ ତ ଅଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆରାମସେ ଆରପଟଟା ବି ଏମିତି ଲାଲ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ପୁଣି ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇକିରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମେ ଏବେ ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା, ଲିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଜି ହେଇଛି। ତାକୁ ଆପଣ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଓଲଟେଇ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା। ଏବେ ଆମର ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ଚୋପା କାଢ଼ିଦେବା ଆମେ ଟମାଟର ବାଇଗଣର। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା, ପିଆଜ ପକାଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଇଏ ଆମର ଚୋଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ଲିଟି ଚୋଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲିଟି ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସତୁର ପୁର ପକାଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ଏମିତି ଆମେ ଖୋଲିବା, ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ଚୋଖା ସହିତ ଲଗାଇକି ଖାଇବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର।